सुनो भाई सुनो रे देखो, अरे सुनो भाई सुनो, देखिए सभी सज्जन साहिबानों से ये अपील है हमारी के शांति बनाए रखें। सुनिए, अरे सुन भाई, ज्यादा बोल मत बोले। देखिए ये जो यहाँ सिम्हावली में कंपटीशन हो रहा है, हम आपको बता दें कि इस सिम्हावली कंपटीशन को करवा रहे हैं हमारे चंदा कैशिप के निर्माता श्री लोकमान वर्मा जी, और इसके आयोजक जिन्होंने यहाँ इंतजाम किया है ये हैं अमर इलेक्ट्रॉनिक्स हापुड़ वाले अशोक कुमार त्यागी जी। और देखिए दूर दराज तक जो प्रचार किया है इस कंपटीशन का, वे प्रचारक हैं, ये गढ़ के रहने वाले हैं हमारे कलवा भाई, जिनकी पान की दुकान भी और कैसी के विक्रेता भी। जी हाँ, तो कलवा भाई अगर जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो वे स्टेज के पास आने की कृपा करें। देखिए हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि कितनी पार्टियां यहाँ आ गई हैं और एंट्री कितनी पार्टियों ने करा दी है। ये सुनिए, सबसे पहले एंट्री हुई है सतपाल दोसा, सतपाल दोसा मोदी नगर मेरठ। उसके बाद कोशिंदर ऋषिपाल खदाना, ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला, मास्टर रामकुमार शर्मा मेहनवा, जोगेंद्र अट्टा, पंडित रामोतार शर्मा, पंडित रामोतार शर्मा साहिबाबाद, भिखारी लाल तंवर, सुनो भाई भिखारी लाल तंवर काठीखेड़ा, इंदरपाल जोहड़ी, और एक लेडीज गायिका भी आए हैं जिनका नाम है सुनीता पांचाल। तो देखिए सुनो सुनो भाई सुनो, सबसे पहले सुनो भाई, अरे सुन रहे सुन। देखिए सबसे पहले एक रागनी लेकर कौन सी पार्टी आ रही है ये हमारे स्टेज डायरेक्टर अभी आपको बता रहे हैं। एक एक रागनी हो रही है पहले राउंड में। हाँ जी, अरे ओ भाइयो देखो, अरे बुढ़े जवान की बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो भाइयो, दूर दूर से बड़ी मुश्किल से हाथ मिनट जोड़ के जन कैसे कैसे थारे मुकद्दर हैं सिम्हावली वालों के, जो ये पार्टियों ने आज दर्शन दिए हैं यहाँ, और लाखों की संख्या में जो ये पब्लिक आ रही है गंगा पार से, मवाना किठोड़ साधापुर सियाने से और हापुड़ से, तो देखो इनका मनोरंजन होना जरूरी है। और मुझे कुछ ऐसी सुनाई दी है कि ज्यादा पब्लिक इस बात की फरमाइश कर रही है कि जितने भी ये जेंट्स कलाकार हैं इनकी तो हम रोजी रागनी सुनते हैं, ये जो लेडीज गायिका सुनीता पांचाल आई है आज, इसकी एक बात हो जा पहले। सुनो भाई सुनो, अब आप ये बताओ कि रसिया सुन गया रागनी? अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, देखो ऐसा है कि सुनीता पांचाल के साथ जो है उनके गुरुजी पंडित राम कुमार मेहनवा वाले भी आए हुए हैं, और सबसे पहले गुरु के सामने वो रसिया नहीं सुनावेगी, शर्मा रही है। सबसे पहले हम जो हैं पब्लिक की फरमाइश, पंडित राम कुमार का जो बहुत फेमस किस्सा है नरसी का भात, नरसी का भात, उस किस्से में आता है ये दोनों गुरु और उनकी शिष्या सुनीता पांचाल आपको एक दो चश्मी गाना बहुत ही शानदार सुनावेंगे, और उसके बाद आप सबकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। तो आइए आपके सामने आ रहे हैं पंडित राम कुमार शर्मा और सुनीता पांचाल, आइए जी आइए आओ गुरु जी। अरे ठहरो भाई, ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना, सिरसा गढ़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना, ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना, सिरसा गढ़ते चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना, तू सिरसा गढ़ते चाल्या जा मने अपनी
तेरी जा मर्यादा टूट लाडली, तेरी जा मर्यादा टूट लाडली है मेरे हाथ लगाने से। कौन से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे मेरी बेटी डरो लाने से। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझाने जरूर। गौशाला से बाहर निकलना काम चले समझाने से। हे अपने आपा मान घटाना दिखे अपने आपा मान घटाना है कोई भी नर जावे ना। अपनी शान दिखावे ना। ये हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। मन के बेरा था इज्जत में तू है इस तरिया से खोएगी। न्यू ना सोची बिना ब्योत उले सी बदनामी होवेगी। मैं तो न्यू आ जागे मेरी लाडली है बेड बाट में जोवेगी। सासुनन दिज ठाणी जड़ के मेरे जीवा से आखिर मैं तेरा पिता लगूं तू है कोड़े मार भगावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोग मेरी बेटी जुल्म कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। इस प्रकार दो चार कोड़े जब मार दिए फिर भी देखिए प्रेम छलकता है नरसी जी की आंखों में। बाप और बेटी के प्यार की चिंगारियां ज्वालामुखी पर्वत की तरह सामने आ जाती है। मेहरबानों सिर पे हाथ रख के अपनी लाडली के यूं कहने लगा कि तने जो जुल्म किया है कोड़े मार दिए इसका मुझे कोई भी गिल्ला सिखवा नहीं। और क्या कहने लगा नरसी जी हे तेरे गुनाह में माफ करूं दिखे तेरे गुनाह में माफ करूं हे तू बेटी मैं बाप तेरा। बड़ी बनाई बात बिगाड़ी खत्म हुआ तप ताप तेरा। हे धीरज धारे सबर कर मन में भला कर हरी आप तेरा। छोटे में मत होगी माड़ी दिख रहा ढंग साफ तेरा। और छोटे में मत होगी माड़ी दिख रहा ढंग साफ तेरा। बस रात काट ले इस गौशाला में हम रात काट ले इस गौशाला में तुझे तड़के बेटी पावे ना। सीता गुड़ से चाल्या
अपनी चांद दिखावे ना। हे हर नंदी ले हाथ रोग मेरी बेटी दुलम कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी चांद दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी अमर इलेक्ट्रॉनिक्स हबपुड श्री अशोक कुमार त्यागी जी 5100 रुपए गायक कलाकारों के लिए इनाम दे रहे हैं। हम त्यागी जी का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। हे तेरे ससुर मन सामल में मैं तो चिट्ठी गेर बुलाया से। भात भरण का ब्योत नहीं तू भिक्षुक बन के आया से। हे मत नाया बिगाड़ मेरी दिगे तू टोटे की माया से। बेईमानी अड़े से चाल्या जा तने आके मन घटाया। बेईमानी अड़े से चाल्या जा तने आके मन घटाया से। तेरी दुनिया करे बुराई बेटी है प्रीत की रीत घटावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी दुलम कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी धीरज धारे सबर कर मन में क्यों खोटी बात विचार रही। अगर पड़ोसन तायक पी तस मेरे कस कस तने मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान क्यों कर मन में अहंकार रही। सुन के हे मंगल मदद करे परमेश्वर। दिखे मंगल मदद करे परमेश्वर और कोई लाज बचावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। हे हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी दुलम कमावे ना। सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिरसा गढ़ से चाल्या जा मने अपनी शान दिखावे ना। सुनो रे सुनो ए सुन कौन है ताऊ बैठ जाएगा। देखो अब आपके सामने एक रागनी लेकर आ रहे हैं मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर बरोला और बड़ी मार्मिक रागनी सुनाएंगे। रागनी है इंदिरा हत्याकांड से। मेहरबान हो कुछ दुष्ट और क्रूर व्यक्तियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी तो कवि के ख्याल है कि हिंदुस्तान के सभी नर नारी किस तरीके से रोने लगे, उनके दिल पर दिमाग पर किस तरीके का आघात हुआ। सुनो भाई मेहरबानों, मौत तो वही है जिसका दुनिया अफसोस करे।
मौत तो वही है जिसका दुनिया अफसोस करे। यूं तो सभी जहान में पैदा होते हैं मरने के लिए। तो सुनिए मास्टर ब्रह्मपाल सिंह नागर। कोले होंगे भारत माँ की जान के नर नारी रहे रोते हिंदुस्तान के आज कोले होंगे भारत माँ की जान के ओ माँ की जान के चिता में ध्यान लगावे थे लकड़ी चके देख देख नर नारी घबरावे थे लकड़ी चके देख देख सब नर नारी घबरावे थे जलती देखते हैं इंदिरा की सभी लोग टकरावे थे सर धरनी में मार मार वते बालों ने बिखरावे थे सर धरनी में मार मार वते बालों ने बिखरावे थे अरे और खत्म रे अग्नि में इंदिरा की पहचान के या तो नीच कर्म थे बेअंत सिंह शैतान के छोरे छोरे सुल्तान के भारत माँ की जान के ओ माँ की जान के टूट गए जब चिता में अगन खड़ी होगी सुखी नींद सुलाए सब आज गोली खा के खुद सोगी सुखी नींद सुलाए सब आज गोली खा के खुद सोगी तन मन धन सब खोया था आज देश की खातर जा खोगी जको रहा बतावे थी आज अपना रास्ता खुद टोगी जको रहा बतावे थी आज अपना रास्ता अरे पहरे होगे हो खत्म देश मुस्कान के जग साथ में रोया ब्रिटिश की प्रधान के छोरे छोरे हिंदुस्तान के आज खोले होंगे भारत माँ की शान के नर नारी रहे छोरे हिंदुस्तान के माँ किसान के
दुनिया में सब मीठा फल बतलावे से, पर हित जन को दुनिया का हर जीव देखना चाहे से, पर हित जन को दुनिया का हर जीव देखना चाहे से। पर कोई कोई मानस दुनिया में कसा भाग लिखा गया वैसे, भले कर्म करे के भी उसका बुरा नतीजा पावे से, भले कर्म करे के भी उसका बुरा नतीजा पावे से। हर मानव दुश्मन हो इंसान के, भाई पीछे पड़ ले सारे की भी जान के, सारे हिंदुस्तान के, आज बोले हो रे भारत मां की शान, सारे हिंदुस्तान के, आज बोले हो गे भारत मां का फंदा, काल का फंदा सबे बांध लेना, भले बुरे की मेल करे नागण का कर रूप दसे, ना पल भर की भी देर करे, नागण का कर रूप दसे ना पल भर की भी देर करे, बने महल आशा के ढह जा, क्षण भर के मढेर करे, जहाँ दीप खुशी के जलते हो वहाँ आके खुद अंधेर करे, जहाँ दीप खुशी के जलते हो वहाँ आके खुद अंधेर करे, कह परम पाल भैरे परम पाल, ये तो लिखे लेख भगवान के, दिले सजदे अधरम सतगुर आजमान के, नरनारी रहे रोते हिंदुस्तान के, हाथ खोले होंगे भारत मां के सारे, नरनारी रहे रोते हिंदुस्तान। अरे भाई लाल तो मुझे बैठन दोगे नहीं, मैं तो देखो भाई सुनो रे मेहरबानो, ओ सुनो सुनो भाई मेहरबानो, बाप के सामने एक रागनी लेकर आ रहे हैं कोशिंदर खदाना। देखे बात उस वक्त की है जब शादी पक्की हो जाती है अंजना की पवन कुमार से, तो पवन कुमार का फोटू अंजना के पास में है, सखी सहेली अंजना को साथ में लेके और उस फोटो को देख के किस किस तरीके की बातें कर रही हैं, बाकी सब हवाला इस रागनी के द्वारा आपके सामने। सुन ले के बात से भला चटपटी सी कहते जो मजा सा आ जा, अच्छा टपकती सी कोई, बड़े बड़े बुड्ढे बच्चे, अच्छा बड़े बड़े टपकती सुने, तबीयत कर रही इनकी भी, सुनो तो अरे सखी सहेली हो, अरे सखी सहेली हर गैल में लेके वत चली अंजना क्वारी रे, छाते मारे देख कपोतू करे मसकरी सारी रे, ओ
भगवान करे इन तस्वीर में मिले यो गवर जोड़ी का भगवान करे इन तस्वीर में मिले यो गवर जोड़ी का अल्हड़ उम्र या देल हो जिसकी धनी अवस्था थोड़ी का अल्हड़ उम्र या देल हो जिसकी धनी अवस्था थोड़ी गधे और हेरी ना योग गधे और घोड़ी का जो मन में दुबता भारी रे सच्चे मारे देख का फूल करे मस्तनी सारी रे ओ अरे सच्ची सहेली कहे मैं छात कदूंगी छेल छवि नावर पहना कोई कहे मैं छात कदूंगी छेल छवि नावर पहना अंजना का जो बन था मैं ओ मर्द सजी नावर पहना इस अंजना का जो बन था मैं ओ मर्द सजी नावर पहना सखियों का तेरी सखियों का जो ही कहना देख मेला में फुलवारी हटे मारे करे मस्करी ओ अरे सखी सहेली गेल में लेके चली अंजना पारी रे हटे मारे देख के पोछू अरे रंग रूप की सुगड़ अंजना जोड़ी जोगम जोगम ले रंग रूप की सुगड़ अंजना जोड़ी जोगम जोगम ले अंजना की तकदीर जाग जा जो अच्छा संयोगम ले अंजना की तकदीर जाग जा जो अच्छा संयोगम ले लिखा भाग का हेरी हरी लिखा भाग का भोग मिले सब जाने दुनिया दारी रे हटे मारे देख का खोची करे मस्ती सारी रे ओ अरे सखी सहेली गेल मले चवा चली अंजना क्वारी रे हटे मारे देख का खोची करे मस्ती संजीव इलेक्ट्रॉनिक बुलंदशहर संजीव भाई 2100 रुपए दे रहे हैं गाने वालों को हम भाई साहब का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं अरे ऋषि पाल सिंह जोड़ मिला राख्या होगा बे माता ने ऋषि पाल सिंह जोड़ मिला राख्या होगा बे माता ने लिखा मुकद्दर में को सुंदर जन के भाग्य विधाता ने लिखा मुकद्दर में को सुंदर जन के भाग्य विधाता ने बिरज पाल सिंह हिर हरी बिरज पाल सिंह दाता ने जो सीसी के सरकारी रे हटे मारे देख के फोटू हरे मस्करी सारी रे ओ छोरी अरे ओए होए छोरी बांगड़ी
कंबल मली होई से ओ छोरे हरियाणे तेरी अकल कितने खोरी से ओए होए छोरी बांगर सामने देखिए एक रागिनी लेकर आ गए हैं शांत भाई शांत रे देखिए ये जो बिजली वाला यहाँ है जिसने बिजली का ठेका लिया हुआ ये आ जाए दो तीन ट्यूब जो है स्टेज की वो नहीं चल रही है हाँ जी कलवा भाई इस एग्जाम को करेंगे ये बिजली वाला जहाँ भी हो इसे बुला दिया ठीक है हाँ तो लीजिए मेहरबानो अब एक रागिनी आपके सामने लेकर आ रहे हैं पंडित रामोतार शर्मा साई बाबा पंडित रामोतार शर्मा साई बाबा और किस्सा होगा शेख ताराचंद जी हाँ बात उस वक्त की है देखिए शेख ताराचंद दोस्तों जब किसी का वक्त बिगड़ जाता है तो वक्त से क्या शिकायत करें तो वक्त की बात होती है हर बात की बात को बात नहीं कहते बात बड़ी मुश्किल से बात होती है आप तो कैसे वसूल हो गए आने के भाई चाय पूरा लग गया भाई आप चाय पिलवा दे पहले न्यू बोलिया रे परदेश आते चिट्ठी आली ए रे ब्योत बिगड़ गया मेरा से का दोष नहीं सर कर लाई का फेरा कहानी बनी वाला बोला 60 लाख के चार जहाज थे सारा जग के भाई कलकत्ते से पर डूब गए ऐसी कोठना पार बसाई बाटने लगा घर में बड़के रोवन लगा एरे फीका पड़ गया डांगर ढोड़ा है सारे शहर में डांडी पिट गई खबर पट्टी और आने अवधपुरी में दो कोठी में लूट लई चोराने भाई कदे कदे तो नामी थारे कदे
कद तो नानी थाई सर सारा चंगा डेरा और किसे का दोष नहीं सर ताने दे गे ओखी बनिए जा चोट में पेट पकड़ के खेगे जितना धन था बाकी घर में चोर काट के ले गे सेठ के सर पे चोगर जाते सेठ के सर पे चोगर जाते और किसे का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा आखिर में ये सोचना लग गया सेठ दरबंद वाला कैसे वाला ओए मानस की के बोले मानस की के पार बसावे जब अधरम आगे एक पैसे की हो न कमाई सो का टोटा पड़े जा बोले सुने जवाला लकड़न की जब सहम नाग सा लड़ जा लक्ष्मी चंद कह धर्म तजे से साहूकार बिगड़े जा कोई नून पड़ू ते कुआ दिखे नून पड़ू ते और किसे का दोष नहीं सरे करड़ाई का फेरा कौन है ये इसे बैठाओ इसको शराब पी रखी है बैठाओ इसके नीचे भाई कौन है अरे ताओ दारू पी का आ रहा बैठाओ इसको दीवार पार्टी सारी कौन है सारी दीवार पार्टी पुलिस को बुला देगा ये सिवा नहीं पी रहा ये बैठाएंगे इस रोड़े को कौन है आपके सामने पुलिस उलिस कुछ बनाए क्यों पर बैठो शांत भाव से बैठ जाएंगे सभी हाँ जी अभी आपके सामने एक रागनी लेकर आ रहे हैं इंद्रपाल जोहड़ी जी हाँ इंद्रपाल जोहड़ी और रागनी होगी सीधा सूरत के इतिहास से बात सुनके भाई सुनके बात उस वक्त की के इंद्र उर्वशी को उस समय एक साल के लिए मृत्यु लोग में भेज देते हैं जब वो उनके राज दरबार में नाचने गाने के लिए मना कर देती है रंग रूप भूषण और यौवन के कगार में रंगी हुई वो उर्वशी कैसे ही मृत्यु लोग में बियाबान बनखंड में पहुंचती है तो जैसलमेर के राजा जैसलदेव शिकार करने पहुंचते हैं और उसके रंग रूप और हुस्न को देख कर रोसो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं दोस्तों
वक्त जब पड़ता है ना तो भगवान बदल जाता है, और गलती उस राजा की तो कुछ भी नहीं, हुस्न को देखकर इश्क का ईमान बदल जाता है। ए रे बियाबान में ओ रे दे रे दे क्यों कर बजे कान तेरी, ओ रे रंज फिक्र में लाली जड़गी चंदर मासी शान तेरी। बियाबान में रटे रटे ओ चुकर बाजे कान तेरी, रंज फिक्र में लल्ली जड़गी चंदर मासी जान तेरी, ओ रंज फिक्र में लल्ली जड़गी चंदर मासी जान तेरी। मानस बन में के मानस बन में देख मरे जो घूंघट गाती खोलेगी, चोट जिगर में लागेगी तू किस किस का मन तोलेगी, किस किस ते सूरत प्यार करे और किस ते कड़वी बोलेगी, राज घरा की रानी बन जार पट रानी बन डोलेगी, राज घरा की रानी बन जा पट रानी बन के डोलेगी। हंडते फिरते खोई जागीर, हंडते फिरते खोई जागीर या चढ़ती उम्र जवान तेरी, बैठेगी जा हवा जान का रसता हो, दिन में धूप रहे सूरज की जीव रात में चसता हो, पत्नी के संग पति महल में आता जाता हंसता हो, वहाँ ठहरन का केडर जार ग्रस्ती का घर बसता हो, ठहरन का केडर से जा ग्रस्ती का घर बस जा, महारानी का दर्जा मिल जा रे, महारानी का दर्जा मिल जा यो इज्जत करे जहान तेरी, रंग फिक्र में लल्ली जड़गी चंदर मासी शान तेरी, रबिया बान में रटे रटे ओ शुक्र बाजे शान तेरी, रंग फिक्र में लल्ली जड़गी चंदर मासी शान तेरी, सब बेकार है। जब तक किसी की
रंग और रूप जवानी को देखने वाला कोई नहीं होता तो वो बिल्कुल बेकार होती है। फिर आनंदी के कटके आनंदी के ढंग देखे जा इश्क जनून रहे इतने भोग विलास व्याकर से सही मजबून रहे इतने सबके ऊपर सरदारी हो मानस जून रहे इतने रूप जवानी तेरी सुथरी लगे काया खून रहे इतने रूप जवानी तेरी सुथरी लगे काया खून रहे इतने जंगल के माँ कोई जागीर जंगल के माँ कोई जागीर यो प्यारी प्यारी जान तेरी रंग फिक्र में लाली जिंदगी चंद्र मासी शान तेरी रबिया बान में रहते रहते ओ शुक्र बाजस्तान तेरी रंग फिक्र में भूखी प्यासी डोल डोल के दिखे भूखी प्यासी डोल डोल के होली दुखी बतेरी सती बीच के मारे मतना जी मुट्ठी में लेरी तू मेला के मर चमक चांदनी बन में रात अंधेरी सल मेर का भूपति गैल चालिए मेरी तू जसल मेर का भूपति गैल चालिए मेरी लक्ष्मी चल दिन सोरे आ जा रे लक्ष्मी चल दिन सोरे आ जा और दिल जा से जान देखिए अब आपके सामने एक राग में लेकर आ रहे हैं सतपाल डोसा जी हां सतपाल ये रागनी होगी द्रौपदी चीरहरण से सभा में जब राजा दुर्योधन हुक्म देते हैं दुशासन को इस बेहया औरत का चीर उतार कर इसे नग्न कर दो तो क्रोध में काफूर वो द्रौपदी सारे कैरों के सभासदों को बड़े बड़े वीरों रणधीरों को योद्धाओं महायोद्धाओं को धिक्कारती हुई इस बात के द्वारा क्या कहने लगी सुनी और मत ना नंगी करो सभा में मर जेठ उल्हाने हो जाएंगे चिंदार चौकड़ी के सामी सब लोग बिराड़े हो जाएंगे चिंदार चौकड़ी के सामी सब लोग बिराड़े हो सब लोग
के संग कौन सभा में होती तंगी देखेगा। बाबा भी सम पोत बहू ने कैसे नंगी देखेगा। कैसे रे धर्म कलंगी देखेगा। कर दे सत्यानाश पति अर जूनियर धंगी देखेगा। कर दे सत्यानाश पति अर जूनियर धंगी देखेगा। हरा घड़ा पाप का खाली से यहाँ पाप चुकाने हो जाएंगे। बलराज सिंह तेवतिया 551 रुपए हमारे गायक कलाकारों को दे रहे हैं। हम चौधरी साहब का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। और सारी सभा चुप बैठी ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। और प्यारा देवर भीम सेन मन कद चुपचाप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। अंधे का अंधा एक सही का सारी सभा अंधी से। अंधे का अंधा एक सही का सारी सभा अंधी से। बिना भाव के बिक्री से मेरी इज्जत इतनी मंदी से। आखिर मैनू रे कहना पड़ जा सबकी आदत गंदी से। और एक एक करके मेरी गलानू ढिंग ताने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बिराने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग बिराने हो जाएंगे। जरंडी और पदमास बतावे बाकी सभी खरे बैठे। नीति और गुणवान बहुत पर नीची नाड़ करे बैठे। मेरी सुनता नहीं पुकार कोई सब सानों हाथ धरे बैठे। दुर्योधन सन रांड समझ मेरे
पांचों पति मरे बैठे लई दुर्योधन सन रांड समझ मेरे पांचों पति मरे बैठे पीरू गौरी की कृपा से लहे सुर में